अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवा बेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया परिवार राजकोट गुजरात। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्यायाणम, नमो लोए सव्य साहुणम, ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षदम चैवे ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान, अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम देयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देव, तत्र ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देव, प्रतिगणधर देव, तेषां वचनानुसारं आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रदानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। विगत कुछ दिनों से हमारी यहाँ चर्चा सम्यक दर्शन के संदर्भ में चल रही है। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का स्वरूप, सम्यक दर्शन के भेद, मिथ्यात्व के नुकसान और सम्यक दर्शन से लाभ। आज हम विशेष चर्चा तो करेंगे आपसे, आखिर सम्यक दर्शन से लाभ क्या है, आखिर यदि सम्यक दर्शन हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, इस सम्यक दर्शन से हमारा क्या भला हो जाएगा, ये तो मुख्य हमारा चर्चा का विषय होने वाला है। लेकिन इसी चर्चा के अंतर्गत कल जो हमने आपसे चर्चा की थी या विगत दो दिनों से हम आपके बीच में जो चर्चा कर रहे हैं, औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन और क्षयोपशम सम्यक दर्शन के संबंध में, उस चर्चा में कल थोड़ा सा इंटरनेट की थोड़ी सी दुविधा होने के कारण कुछ प्रकरण कुछ अस्पष्ट सा रह गया, नेटवर्क बीच बीच में कट रहा था इस वजह से, और अनेक लोगों का आग्रह था कि उस विषय को थोड़ा सा आप यदि रिपीट कर देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। आज हम कुछ मिनटों में, शुरू के 10-5 मिनट में ये चर्चा करेंगे आपके बीच में कि औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, उनकी परिभाषाएँ किस प्रकार की और उनमें क्या होता है, और फिर जो विशेष चर्चा आज हम करने वाले हैं सम्यक दर्शन की महिमा, क्या सम्यक दर्शन की महिमा है, क्या है आखिर सम्यक दर्शन, और यदि सम्यक दर्शन हो गया तो हमें क्या मिल जाएगा, ये चर्चा आज मुख्य चर्चा का विषय रहेगी। देखिए, औपशमिक सम्यक दर्शन की चर्चा तो परसों काफ़ी विस्तार से की थी और वे सब बातें तो हमारी स्पष्ट हो ही चुकी थी और आप लोगों के उपयोग में भी वे सारी बातें स्पष्ट होगी। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को सबसे पहले होता है वो औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। औपशमिक सम्यक दर्शन होते ही मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो जाते हैं, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कर्म प्रकृतियां और मिथ्यात्व, इनके उपशम के लिए माने दबाने के लिए जो सम्यक्त्व हो उसका नाम है प्रथम उपशम। वापस मिथ्यात्व में आकर के 100 बार भी यदि उपशम सम्यक्त्व होवे, 1000 बार भी हो, अरे असंख्यात बार भी हो, तो उसका एक ही नाम है प्रथमोपशम, प्रथमोपशम, प्रथमोपशम। और जब श्रेणी चढ़ते समय ऊपर के स्थानों में
जब चारित्र मोहनी की बाकी 25 कर्म प्रकृतियों को दबाने के लिए जो पुरुषार्थ होता है उसका नाम है द्वितीय उपशम, वे द्वितीय उपशम कहलाता है। तो इस तरह से प्रथम उपशम और द्वितीय उपशम इसकी बात कही, और इन दोनों ही प्रकार के उपशम सम्यक्त्व का काल अंतर मुहूर्त मात्र है, ये स्वरूप है। चाहे प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो चाहे द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन हो, उपशम का काल मात्र अंतर मुहूर्त है। इसके बाद दूसरी चर्चा हमने यहाँ कल आपके बीच में प्रारंभ की थी क्षायिक सम्यक दर्शन के संदर्भ में। बोले क्या होता है ये कि वे ही जो कर्म प्रकृतियाँ थी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, बोले ये पाँचों कर्म प्रकृतियाँ, पाँच कहो या सात कहो, ये कर्म प्रकृतियां जब नष्ट हो जाती है पूरी तरह से तो क्षायिक सम्यक दर्शन कहलाता है। इसमें अनंतानुबंधी कर्म की तो होती है विसंयोजना, और दर्शन मोहनी कर्म का होता है क्षय, तो विसंयोजना भी क्षय जैसा ही है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना की, फिर दर्शन मोह को नष्ट कर दिया, और इस जीव को जो क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया वो क्षायिक सम्यक दर्शन सादी अनंत काल तक चलता है। ये क्षायिक सम्यक दर्शन के संदर्भ में विशेष प्रकरण था। एक और क्षायिक सम्यक्त्व के संदर्भ में जो ध्यान देने योग्य बात थी वो ये है कि ये क्षायिक सम्यक दर्शन कर्म भूमि के मनुष्य के ही होता है, और वह भी केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में ही होता है, माने केवलियों के सानिध्य में होगा, श्रुत केवलियों के सानिध्य में होगा, सबके नहीं हो सकता है, उनको ही होगा जिनको पहले उपशम और क्षयोपशम हो चुका है। क्षयोपशम सम्यक्त्व ही आगे पुरुषार्थ बढ़ाता हुआ क्षायिक सम्यक्त्व में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्षायिक सम्यक्ति जीव अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है, फिर अनंत काल में सिद्ध दशा के साथ में भी वो सम्यक्त्व बना रहता है। किसी किसी की यह जिज्ञासा आई थी कल, बाद में हमने देखा कि ये श्रुत केवली क्या होते हैं, श्रुत केवली क्या चीज है। तो भैया जो द्वादशांग के ज्ञाता हमारे महामुनिराज होते हैं वे एक विशेष प्रकार की पदवी से सहित होने पर श्रुत केवली कहलाते हैं। क्या भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद भी तीन तो अनुबद्ध केवली हुए और पांच श्रुत केवली हुए, वे सब वर्तमान में स्वर्ग में हैं। उन श्रुत केवलियों के सानिध्य में बैठकर किसी जीव को क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। यह क्षायिक सम्यक्त्व एक बार हो जाता है तो फिर कभी भी छूटता नहीं है, माने ये भव चक्र में उलझेगा नहीं, ऐसा ही इसका स्वरूप है। एक और क्षायिक सम्यक्त्व के संदर्भ में महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ था, पेज नंबर 15 पर हमने नीचे की अंतिम पंक्तियों में पढ़ा था, मैंने कट करके आ रही थी ना कल कुछ आवाज़ 8 वाले प्रवचन में, तो हम उसे यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं। यद्यपि इसका काल सादी अनंत है, विनोद दोषी जी साहब, यद्यपि इसका काल क्षायिक सम्यक्त्व का काल शुरू होने के बाद अनंत काल है, ठीक है ना, कोई भी स्त्री क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती, स्त्रियों को क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता। स्त्रियों के क्षायिक सम्यक्त्व के संदर्भ में एकाध प्रमाण कहीं मिलता है, लेकिन सर्व विद्वानों में बहुमत से यह बात सिद्ध है कि स्त्रियों में क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता, न मनुष्यनियों में होता है, न त्रियंचनियों में होता है, न देवियों में होता है, होता भी नहीं है, और वो इन अवस्थाओं में जन्म भी नहीं ले सकती हैं, इसलिए स्त्रियां क्षायिक सम्यक्त्व की पात्र नहीं होती। अब यहाँ जो बात कह रहे हैं कि साहब यद्यपि इसका काल क्षायिक सम्यक्त्व का काल, क्षायिक सम्यक्त्व का टाइम पीरियड क्या सादी अनंत है, तो भी संसार में रहने की अपेक्षा से कितना काल है। भाई मोक्ष में जाकर के तो अनंत काल रहेंगे, लेकिन मोक्ष में जाने के पहले का काल कितना हो सकता है मैक्सिमम, ये बतलाइए। ध्यान होगा डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, माने 8 वर्ष 1 अंतर मुहूर्त कम 2 कोटि पूर्व 33 सागर उत्कृष्ट काल हो सकता है। कल हमने इन शब्दों को थोड़ा सा आपके बीच में स्पष्ट किया था कि ये पोजीशन किस प्रकार की बनती है।
देखिए केवली और श्रुत केवलियों के पादमूल में बैठकर क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया। धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई आकुलता नहीं है, शांति से हम वस्तु स्वरूप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। केवलियों और श्रुत केवलियों के चरणों में जाकर के कोई जीव बैठा, पहले से सम्यक दृष्टि था और उसने बहुत भावपूर्वक वहां उपदेश को सुना और उसे क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। केवली तो समझ ही गए आप, अनुबद्ध केवली भी भगवान ही होते हैं। अनुबद्ध तो सिर्फ इसलिए लगाया है कि क्रम से हुए हैं, इसलिए अनुबद्ध लगा दिया है। होते तो केवली ही हैं, अनुबद्ध केवली भी होते तो भगवान ही हैं, अनुबद्ध केवली भी होते तो परमात्मा ही हैं, है ना। लेकिन श्रुत केवली केवली नहीं होते। श्रुत केवली कौन होते हैं? श्रुत ज्ञान के आधार पर, क्या श्रुत ज्ञान के आधार पर जिन्हें मान लो केवल ज्ञान जैसी पोजीशन है उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। शास्त्र के आधार पर जिन्हें संपूर्ण ज्ञान है उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। चाहे शची इंद्राणी हो, चाहे तीर्थंकर की माता हो, कोई भी स्त्रियां हो, उन्हें क्षायिक सम्यक्त्व की बात नहीं कही गई है। ख्याल में आ गई बात क्या कह रहे हैं यहां? देखिए और क्या कह रहे हैं, आयु की अपेक्षा से कितने लंबे काल की बात कह रहे हैं यहां। उत्कृष्ट आयु संसार की केवली की, देखो वही समझा रहा हूं मैं। केवलियों की तो उत्कृष्ट आयु क्या है भाई? जितना मनुष्यों की आयु बची हुई होगी वही तो केवलियों की बची हुई होगी भाई। कोई जैसे मान लो मैं मनुष्य हूं, मनुष्य गति का जीव हूं, धीरे धीरे समझिए, मैं मनुष्य गति का जीव हूं और मनुष्य गति रूप इस अवस्था में मेरी आयु मान लीजिए 75 वर्ष की है, 80 वर्ष की है। अब बीच में हो गया केवल ज्ञान, भगवान बन गए, मान लीजिए 50 वर्ष की उम्र में भगवान बन गए, अरहंत हो गए, केवली हो गए, तो बाकी 30 साल तक वो केवल ज्ञान सहित अरहंत दशा में बैठे रहेंगे, क्योंकि 80 साल की उम्र है। जितनी उम्र है उतनी उम्र तो पूरी करनी पड़ेगी। पॉइंट समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं सहज? क्या जो बात कह रहे हैं, ये जो बात है यहां से शुरू हुआ तो बोले जितनी उम्र है वो तो पूरी करनी पड़ेगी, चाहे वो उम्र आप मनुष्य दशा में माने गृहस्थ दशा में पूरी करो, चाहे मुनि रह करके पूरी करो, चाहे केवल ज्ञानी भगवान होकर के पूरी करो, माने सिद्ध बनने के पहले पहले आयु पूरी आपकी होगी, इतना नक्की है। सिद्ध बनने के पहले पहले ये काम होगा। अब आपको आपके भगवान की आयु पर भरोसा नहीं है, रोज तो बोल रहे हो आप, भगवान की पूजन में बोल रहे हो, आदिनाथ भगवान की पूजन में बोल रहे हो, 84 लाख पूर्व की आयु के बारे में बोल रहे हो, अब कुछ कुछ पता नहीं है, सब बोले जा रहे हैं। अभी मैंने इतना खोल करके समझा दिया तो आप ये कह रहे हो कि नहीं हमें तो भरोसा नहीं हो रहा है, तो फिर पूजन का ही करते हो, क्यों करते हो पूजन? रोज तो पूजन करते हैं लेकिन फिर भी भरोसा नहीं है हमारे। चलिए क्या कह रहे हैं, 1 कोटि पूर्व तक वे बराबर बने रहे और फिर दीक्षा इच्छा लेकर के, और अभी जिंदगी जीवन जब पूरा हुआ 1 कोटि पूर्व क्षायिक सम्यक दर्शन काया में, जीवन पूरा होकर के चले गए विजय वैजयंत जयंत अपराजित नाम के विमानों में, ऊपर पंच अनुत्तर विमानों में चले गए। बोलो ख्याल में आ रही है बात? अब पंच अनुत्तर विमानों में चले गए और वहां 33 सागर तक की आयु ले ली उसने, सर्वार्थ सिद्धि को छोड़कर। सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते हैं वे आलोक जी भाई साहब जब वापस लौट करके आते हैं तो उनकी 1 कोटि पूर्व तक की आयु नहीं होती, वे जल्दी मोक्ष चले जाते हैं। इसलिए सर्वार्थ सिद्धि के अलावा वाले जो है ना उनको लेना चाहिए हमारे को। विजय वैजयंत जयंत और अपराजित में 33 सागर में एक कम समय की आयु, एक समय कम की आयु लेकर के वो वहां से मरे और मनुष्य जन्म ले लिया। अब मनुष्य जन्म ले लिया तो अब पूरा, वो तो पूरा काल है मनुष्य जन्म का, वहां भी 33 सागर था, वो 33 सागर भी उनका वही था क्षायिक सम्यक्त्व के साथ में। अब मनुष्य हो गए तो मनुष्य का भी जो पूरा जीवन है 1 कोटि पूर्व की आयु वो क्षायिक सम्यक्त्व के साथ में है और फिर उसके बाद में निर्वाण हो गया, सिद्ध बन गए। तो ये मैक्सिमम इन्होंने ली है, जिनका स्वभाव बनती है स्थिति उनके फिर 33 सागर की स्थिति नहीं बनती। क्या तो सागर बड़ा होता है, यहां मैक्सिमम टाइम पीरियड लेना है हमारे को। कोई कर्म है जैसे मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की जिनकी चर्चा चल रही थी, ये जब उदय में आने का इनका काल गया और ये कहीं बदल करके पतली गली से निकल गए तो बोले कह दिए ये तो हो गया क्षय, उदय में नहीं आए, समय आ गया था लेकिन फल नहीं मिला, दूसरी जगह होकर के निकल गए, ये क्षय।
भविष्य में जो उदय में आने वाले हैं कर्म, वे भविष्य में ही पड़े रहेंगे, इसका नाम है उपशम। और एक कर्म प्रकृति है सात में से सातवें नंबर वाली, जिसका नाम है सम्यक्त्व मोहनी, उसका है उदय। बस ये स्थिति जहां बनती है उसे क्षयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं, इसे वेदक सम्यक्त्व भी जनक में कहा गया है। इससे ज्यादा और कुछ इस परिभाषा में जानने समझने योग्य है नहीं। जो विशेष अभ्यासी लोग हैं वे तो इसकी परिभाषा को जानते ही हैं, इसलिए उन्हें विशेष कुछ कहने की जरूरत नहीं। और जो वास्तव में इस परिभाषा को और गहराई से समझने के इच्छुक हैं, और क्षयिक सम्यक्त्व तो बिल्कुल निर्मल था, ये क्षयोपशम सम्यक्त्व में मलिनता होती है। क्षयोपशम सम्यक्त्व में चले चलायमानपना होता है, क्षयोपशम सम्यक्त्व में दोष लगने की संभावनाएं होती है, विचलितपना होता है। तीन प्रकार के दोष कहे गए हैं, बहुत संक्षेप में दो मिनट में उसे कहता हुआ आज सम्यक्त्व की महिमा की तरफ बढ़ रहा हूं आपके बीच में। देखिए क्या है, 66 सागर पूरे होने के संदर्भ में धवलादि ग्रंथों में ऐसा कहा है 20 सागर 22 सागर और 24 सागर ये तीन भव होंगे देवगति के, और बीच में आ जाएगा मनुष्य का भव। जैसे कोई मनुष्य था, क्षयोपशम सम्यक्त्व लिया, क्षयोपशम सम्यक्त्व लेकर के 20 सागर की आयु वाला देवगति में चला गया। अब देवगति से वापस मनुष्य हुआ तो मनुष्य की जितनी आयु है उतना कम करके 22 सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर देव से मनुष्य आया, मनुष्य की जितनी आयु है उतनी आयु कम करके 24 सागर की आयु वाला देव हुआ। तो 20 22 और 24 सागर और फिर मनुष्य बनकर के क्षयिक लेकर के और फिर निर्वाण की प्राप्ति कर लेवे तो कर लेवे, और छूट जाए तो छूट भी जावे। 66 सागर के बाद नियम से छूटता है, ऐसा स्वरूप है। हाँ इतना है ज्ञानचंद जी साहब कोटा से, भाव जी ये कह रहे हैं कि 66 सागर तक बना रहा क्षयोपशम सम्यक्त, फिर अंतर्मूर्त के लिए छूट गया बीच में और दोबारा हो जाए, देन अगेन 66 सागर तक कायम रह सकता है, इतना काल है। इसमें चल मल अगाड़ ये तीन तरह के दोषों की बात कही गई है, और इन दोषों को समझाने के लिए शास्त्रों में जो उदाहरण दिए हैं वे उदाहरण बहुत स्थूल दिए हैं, इतने स्थूल उदाहरण दिए हैं कि जिनमें अपने को ये समझना चाहिए बहुत मोटा मोटा है, नहीं के बराबर है ही नहीं, क्या क्या कहने के लिए है क्या कहो। एक एग्जाम्पल तो यहाँ दिया गया, चल माने लकड़ी, कोई बुजुर्ग व्यक्ति लकड़ी लेकर के चल रहा है, खड़ा है लकड़ी लेकर के। देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ आगे बढ़ रहे हैं अपन, दूसरे दोष का नाम है मल दोष, निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा मूढ़ दृष्टि उपगुण स्थितिकरण वात्सल्य, इनमें किसी तरह का कोई दोष लग जाए मान लीजिए क्या, तो फिर वो मल दोष कहलाता है। और ये तरंगों की तरह कहा गया है, पानी की तरंगों की तरह, लग गया किसी तरह का कोई दोष समल भी जाता है तुरंत, यदि समलेगा नहीं स्थूलता मानेगा तो नीचे गिर जाएगा, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। और एक तीसरे प्रकार का दोष कहा है जिसे कहा है चल चलायमान, जैसा दिख रहा है शांतिनाथ भगवान, अरे तो शांतिनाथ है, शांत नाम ही इनका शांतिनाथ है, तो शांति ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ऐसा हल्का सा वाक्य कह दिया और तुरंत संभल करके ये भी कहता है इसमें कुछ दम नहीं है, होते तो सब तीर्थंकर बराबर ही है, ये भी साथ में बात आ गई तुरंत, तब जाकर के ये क्षयोपशम सम्यक्त की स्थिति बनती है। ये थोड़ा सा दोष रूप दशा थी जिसकी बातें हमने आपको यहाँ कल जो छूट गई थी उन लोगों के लिए वापस रिपीट की, समय काफ़ी लग गया इसमें भी, लेकिन आज सम्यक्त्व की महिमा के संदर्भ में हम चर्चा को आगे बढ़ा ही रहे हैं। देखिए पेज नंबर 17 पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, केशव राय पाटन वाले पंडित जी साहब देखो क्या कह रहे हैं, सम्यक्त्व का विशेष विवेचन, विशेष सम्यक दर्शन की क्या महिमा है ये तो बतलाओ, क्या क्या महिमा है सम्यक दर्शन की, अरे क्या महिमा बतलाएं जिसे सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक्तियों की तो महिमा ही कुछ अजब गजब की हुआ करती है भैया। प्रथम नरक में तीनों सम्यक्त्व तथा शेष के 6 नरकों में क्षायिक के बिना दोनों सम्यक्त्व होते हैं। जरा सुनिए क्या कह दिया है यहां, पहले नरक में तो तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं, फर्स्ट नरक में तो तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन हो गए पहले नरक में तो, और बाकी के नरकों में 6 नरकों में क्षायिक नहीं हो सकता, क्षयोपशम सम्यक हो सकता है और औपशमिक सम्यक हो सकता है, दूसरे नरक में तीसरे नरक में चौथे पांचवें छठे नरक में सातवें नरक में, सातवें नरक में भी नारकी जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है भाई साहब। चिनी का मतलब समझ लीजिए गधी,
कुत्ती कुतिया है, शेरनी बिल्ली, ये सब है, वो सब स्त्रीलिंग है ना, वो उनको तिर्यंचनी कहेंगे। तिर्यंचनी शब्द का प्रयोग किया है, उनको क्षयिक सम्यक्त्व नहीं होता। दौलत राम जी की छेड़ाला की देखो आप जरा महिमा देखना, अरे क्या बात कहना चाह रहे हैं। जिन्हें सम्यक दर्शन हो गया है उन्हें क्या निधि मिल गई है, जिन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है उनको पता नहीं है कि उनको क्या क्या हासिल हो गया है। भाई साहब जैसे कह देते हैं ना, कभी मान लीजिए अरे भाई साहब एक गोली दे रहा हूं आपको, आपको पता नहीं है ये गोली क्या असर करेगी, बोले ये गोली ले लेने के बाद में आपके कोरोना नहीं होगा, ऐसे ऐसे चल रही थी ना बातें। बोले ये कवच है, ये क्या कह रहे हैं, ये इस कवच के संदर्भ में, प्रथम नरक बिन शटभू ज्योतिष वान भवन शंड नारी और थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। क्या कह रहे हैं, प्रथम नरक बिन, सुनो क्या हो गया, सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक से नीचे नहीं जाता, कट गई दुनिया की कोई ताकत मुझे नीचे नरकों में नहीं ले जा सकती, पहले आयु ही बंद गई हो तब तो बात ही अलग ही है, लेकिन यदि मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा तो सम्यक दर्शन के बाद यदि मैं आयु बांधूंगा, सम्यक दर्शन हो जाने के बाद यदि आयु बांधूंगा तो नियम से देवगति में जाऊंगा, और यदि पहले आयु बंद गई होगी, मान लीजिए क्या पहले आयु बंद गई है मेरे और नरक में जाना पड़ गया तो भी कोई चक्कर नहीं है, पहले नरक से नीचे नहीं जाऊंगा। जिज्ञासा उठती है इस तरह की कि मनुष्य नहीं के क्षयिक सम्यक तो हो सकता है या नहीं, यहाँ इस बात को गौण किया गया है, आप इस बात को हाईलाइट नहीं करें, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे बात कही, बहुत विद्वानों का बहुमत है कि मनुष्य गति की भी स्त्रियों को क्षयिक सम्यक्त्व नहीं होता है, भाव स्त्री वेद की अपेक्षा से ये ऐसा कहा गया है कि उन्हें क्षयिक सम्यक्त्व संभव है, और भाव स्त्री वेद की अपेक्षा से मनुष्यणी को सम्यक तो कहे तो इसमें तो क्या है, भाव स्त्री वेद की अपेक्षा से तो मोक्ष ही हो जाता है, अकेले आप क्षयिक सम्यक्त्व की क्या बात कर रहे हैं, है ना। चलिए क्या कह रहे हैं, अभी तो ये क्या क्या कट गया है, क्या क्या बेनिफिट मिल गए हैं आपको, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, जैसे समझ लीजिए आप ऐसा कहते हैं ना, कोई व्यक्ति यदि इस पोस्ट पर है तो उसे हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है, कोई व्यक्ति यदि सम्यक दर्शन वाली इस पोस्ट पर है तो बोले उसको कोई व्यक्ति दुनिया की ताकत उसे सातवें नरक में नहीं भेज सकती, छठे नरक में नहीं भेज सकती, पांचवें चौथे तीसरे दूसरे नरक के अंदर उसे नहीं भेजा जा सकता है, ठीक है ना। और सम्यक दृष्टि जीव मरकर पहले नरक को छोड़कर शेष छह नरकों में नहीं जाता, आगे देखिए जरा क्या, भवनवासी नहीं होता, सम्यक दृष्टि जीव मरकर के भवनवासी देव नहीं होगा, व्यंतर नहीं होगा और ज्योतिषियों में नहीं जाएगा, समझ में आ रही है बात। ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव का नरक में वेदन होता है कि नहीं होता है, नरक में तो होता है भाई साहब, वेदना भी उसको होती है, सारी स्थितियां होती है, लेकिन वो अंदर में स्वभाव का अवलंबन लेकर के रहता है, वेद विज्ञान का अभ्यास करता रहता है, जितनी कमजोरी है उतना वेदन भी होता है और जितनी दृढ़ता है उतना अंदर में उसको आनंद की अनुभूति भी होती रहती है, सम्यक्त्व भी है ना तो आनंद की अनुभूति भी उसे होती रहती है। द्रव्य वेद और भाव वेद क्या होता है, द्रव्य वेद तो कहते हैं बाहर में जैसा लिंग है, कोई लेडीज है तो वो सब फीमेल है, स्त्री है, कोई पुरुष है तो वो पुरलिंग है, ये द्रव्य वेद है, लेकिन भाव वेद अंदर के भाव होते हैं, वो इससे डिपेंड नहीं करता है बाहर में कैसा था, क्या समझ में आ रही है बात, बाहर में कोई व्यक्ति पुरुष है लेकिन उसका भाव वेद स्त्री हो सकता है, बाहर में कोई स्त्रियां हो उनका पुरुष वेद भी हो सकता है, किसी का नपुंसक वेद भी हो सकता है, ऐसा संभव है। तो ये भाव वेद जो है ये डिपेंड्स परिणामों के ऊपर निर्भर करता है, इसमें भी विशेष गहराई से जानने वाले लोगों को समझ लेना चाहिए कि भाव वेद भी लाइफ टाइम बदलता नहीं है, जीवन पर्यंत एक ही रहता है जिसका जो होता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवा बेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया परिवार राजकोट गुजरात।